इतना सुंदर लग। नमस्कार दोस्तों, आज के जो वीडियो में जो वनस्पति आप देख रहे हैं, यह वनस्पति धार्मिक दृष्टि से बहुत ही दिव्य और पवित्र पौधा माना गया है। के साथ साथ दोस्तों, इसको औषधि के रूप में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। कई सारे बीमारी को दूर किया जा सकता है इसका प्रयोग करके। हमारे धार्मिक संस्कृति में इस पूजा पाठ के रूप में इस फूल को चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत ही पवित्र फूल है, पेड़ है। दोस्तों, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और पहचान लीजिए। बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, पहचानते होंगे, लेकिन तब पर भी मैं बता दे रहा हूँ, इस पौधे का नाम है गुलहड़ का फूल। जी हाँ दोस्तों, कहीं कहीं इसे अरहुल का फूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं, ये देख लीजिए, इसके कली हैं। और जब फूल फूलते हैं ना, लाल कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर गुच्छे में देखिए, इस देखिए, ऐसे फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। लोग इसीलिए मंदिर के आसपास, घर आंगन में, गमले में इसको लगा करके रखते हैं, क्योंकि यह दोस्तों देखने में सुंदर होते हैं। साथ साथ दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत अच्छा आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी के रूप में भी प्रयोग होता है। और कई सारे ऐसे बीमारी हैं जो इसको खाने मात्र से सही हो जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप ना करिएगा, क्योंकि दोस्तों स्किप करने से क्या होता है ना, आधा अधूरा जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो पाते हैं। और कई सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि इससे फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसका प्रोसेस होता है, इसका आयुर्वेद में जो होता है ना, इसका एक नियम से आप इसका प्रयोग करेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किस औषधि का कितना प्रयोग है, किस बीमारी में करना चाहिए, ये सब पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो पूरा देखें और स्किप ना करें। दोस्तों, आयुर्वेद में इसे कहा जाता है किसी को कमजोरी आ गया है। जी हाँ दोस्तों, कमजोरी के मतलब आप समझ ही रहे होंगे, किसी को नपुंसकता, धातु की समस्या, या शरीर में कमजोरी, या सीढ़ी चलने में हाँफने लगते हैं, दौड़ने में हाँफने लगते हैं, कोई काम में मन नहीं लगता है। यहाँ तक दोस्तों कि अगर किसी को पथरी की समस्या है, जी हाँ दोस्तों, किडनी स्टोन, लिवर स्टोन जो हो जाते हैं ना, उसको दूर करने के लिए, उसको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर दोस्तों आपकी पाचन क्रिया सही नहीं रहता है, आपका लीवर कमज़ोर हो गया है, खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, डकार खट्टी खट्टी आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं पेटों से लेकर के, उसको सही करने के लिए यह बेहतरीन औषधि माना गया है। त्वचा रोग जैसी समस्या बन जाती है, त्वचा रोग को दूर करने के लिए भी प्रयोग होता है। यहाँ तक कि दोस्तों अपने बालों को सुंदर और मुलायम बनाने के लिए, जैसे समय से पहले बाल पक जाना, या फिर बालों में डैंडरफ हो जाना, बाल झड़ने की समस्या हो, बालों से लेकर कोई भी समस्या हो, इसका प्रयोग किया जाता है। यह आँखों की रोशनी को बढ़ाने के भी काम आते हैं, आपके अगर किसी को आँख में कोई प्रॉब्लम हो गया है उसको सही करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। दोस्तों यहाँ तक कि अगर किसी को सूल हो गया है, सूल मतलब जानते हैं कि लेटरिंग होने लगता है तो रुकता ही नहीं है, पतला होता है, और कुछ भी खाओ, सूल का मतलब होता है आंत में घाव। जी हाँ दोस्तों, तो उससे बहुत कष्टदायक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कुछ खाए पिए नहीं पचता है। तो दोस्तों सूल में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, इसका प्रयोग बहुत ही साधारण सा है। दोस्तों आप क्या करें, इसकी कली 4-5 तोड़ लें और सुबह सुबह खाली पेट इसका कली चबा करके खा लें। दोस्तों किसी प्रकार का सूल हो, या दस्त की समस्या हो, या पेट में किसी तरह घाव हो गया, आंतों में घाव हो गया, दोस्तों यह 3 से 4-5 दिन में आपका किसी भी प्रकार का सूल हो, दोस्तों उसको यह सही करता है। दोस्तों इसका प्रयोग आज से नहीं, 100 वर्ष, हजारों साल से इसका प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में। इसका बहुत अच्छा जिक्र है और इसके बारे में बताया गया है। जो लोग इसका प्रयोग किए होंगे वो खुद ही जानते होंगे, अगर नहीं प्रयोग किया है तो दोस्तों आप प्रयोग करके देखें, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो इतना ही नहीं, अगर किसी के चेहरे की खूबसूरती बढ़ाना हो, सौंदर्य प्रसाधन में इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें इसका प्रयोग होता है और इसको बनाया जाता है और इसका यूज होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। आज से नहीं, हजारों साल से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं लोग सौंदर्य प्रसाधन में। जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, इसको ताकत बढ़ाने में भी प्रयोग किया जाता है, कमजोरी को दूर करने में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपको एक एक करके हम बताएंगे इसके फायदे और इसके कैसे प्रयोग करना है, किस मात्रा में करना है, कब करना है।
इस वीडियो को बने रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आपके एक लाइक करने से ही तो मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम तक और आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जी दोस्तों, मैंने बता ही दिया पहले, इसका नाम है गुलहड़ का फूल। जी हाँ दोस्तों, इसके मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ना, इसका कली है, देख लीजिए। ये फूलने के बाद फूल बन जाता है और बहुत ही सुंदर होता है, तो आप दोस्तों पहचान ही गए होंगे। चलिए इसका प्रयोग बता दे रहे हैं दोस्तों। कहीं कहीं इसे अरहुल के फूल से नाम से जानते हैं, गुलहड़ के फूल के नाम से जानते हैं, लाल फूल के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते होंगे, तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यौन विकार को दूर करने के लिए, नपुंसकता को दूर करने के लिए, अपने शारीरिक को कमजोरी को दूर करने के लिए। जो मैं बताऊंगा बिल्कुल नेचुरल बना बताऊंगा और आपके घर के आसपास ही ये मिलता है दोस्तों। ऐसे तो मार्केट में ढेर सारे ऐसे शक्तिवर्धक चूर्ण हैं, केमिकल युक्त प्रोडक्ट हैं जो कि आप मार्केट में, जैसे च्यवनप्राश, शिलाजीत और बहुत सारे ऐसे हैं, तो मार्केट में बहुत सारे हैं। लेकिन दोस्तों यह जो मैं बताऊंगा बिल्कुल नेचुरल है और आप अपने घर पे बना करके इसका सेवन कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो यौन दुर्बलता को दूर करने के लिए, अनहोनी ताकत को बढ़ाने के लिए, चलो दोस्तों बहुत ही आसान है। आप इसके ढेर सारे फूल ले आएँ, जी हाँ दोस्तों फूल ले आएँ, और उसको पीस करके उसका रस निकाल लें। 10 ग्राम के मात्रा में ml के बराबर उसका रस निकाल लें। निकाल करके आप सुबह शाम इसका अगर सेवन करते हैं तो आपकी बहुत अच्छा फायदा करेगा दोस्तों। एक और तरीका है, अगर फूल आपको आसपास नहीं है तो कहीं मिल जाए तो आप फूल को ले आइए और उसको सुखा करके पाउडर बना करके भी स्टोर कर सकते हैं। और उसमें क्या करना है आपको, 1 चम्मच इसका पाउडर और 1 चम्मच मिश्री मिला करके आप इसका सेवन करें दूध के साथ, बहुत अच्छा फायदा होगा दोस्तों। तो और भी इसके कुछ प्रयोग हैं जो कि मैं बताऊंगा, और बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही बेहतरीन औषधि है दोस्तों। उसके लिए क्या है, गुलहड़ का गुलकंद। जी हाँ दोस्तों, गुलकंद का आप नाम सुने होंगे, गुलकंद कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो गुलहड़ का गुलकंद बना करके आप उसका सेवन करें तो उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गुलहड़ का गुलकंद कैसे तैयार करना है। साधारण सा प्रयोग है दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में कली देख रहे हैं ना, एक कली ले लें और फूला हुआ गुलाब, ये देखिए ये फूला हुआ जो फूल है ना, ये दोनों बराबर मात्रा में ले लें, कली भी ले आएँ और इसका फूल भी ले आएँ। दोनों को बराबर मात्रा में ले करके कम से कम आप 200 ग्राम ले आएँ। जी हाँ दोस्तों, मात्रा सुनिएगा, 200 ग्राम आपको फूल ले आना है और 200 ग्राम मिश्री लेना है। जी हाँ दोस्तों, मिश्री ले लेना है और उसको पीस करके पाउडर बना लेना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, उस फूल को और कली को दोनों ले हाथ में लें और उसमें क्या करें, मिश्री ले करके हाथ से हथेली पर रख करके अच्छी तरह से उसे मसलें। जी हाँ दोस्तों, मसलते रहें, मसल करके इस तरह से दोस्तों हाथ में मसलेंगे ना, तो आपस में मिश्री और फूल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और एक जैसे बनता है ना, उस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, किसी कांच के बर्तन, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कांच के बर्तन में उसको रख करके आपको उसको धूप में रखना है और शाम में घर में रख लें। इस तरह से आपको कंटिन्यू 21 दिन तक करना है, दिन में धूप में रखना है और रात में अपने घर में रख लें। इस तरह से 21 दिन करेंगे, 21वां दिन यह गुलकंद बन करके तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप उसको आप सेवन करना है, मिश्री और वो दोनों मिक्स हो करके जब धूप में रखेंगे तो वो गुलकंद बनके तैयार हो जाता है मिल करके। तो दोस्तों उसका आपको सेवन करना है, आप 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 1 बार या 2 बार जैसे आपको सुविधा हो उस अनुसार आप इसका सेवन करें, बहुत बेहतरीन फायदा होगा दोस्तों। आपकी शरीर की कमजोरी को दूर करता है, धातु क्षीणता को दूर करता है, नपुंसकता को दूर करता है, किसी भी प्रकार का अनहोनी ताकत की समस्या हो सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और दोस्तों इसको रोटी के साथ भी सेवन कर सकते हैं, दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, खाली पानी के साथ सेवन करते हैं। ऐसे तो दोस्तों मार्केट में भी मिलता है, आप मार्केट से भी ला सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो ये आप अपने घर में बनाएंगे ये बिल्कुल शुद्ध होगा और आप बिल्कुल नेचुरल होगा। तो इसीलिए मैं दोस्तों ज़्यादा जोर देता हूँ कि अपने से बना करके आप सेवन करें, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा दोस्तों। इस गुलकंद से आपको चेहरे पर चमक आएगा, खून बढ़ाएगा और आपकी जो कब्ज की समस्या है उसको दूर करेगा, बहुत सारी बीमारी से आपको छुटकारा दिलाता है यह गुलकंद। रोशनी भी बढ़ाता है, इसमें विटामिन
ए भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए आँखों की रोशनी को भी देखता है, खून को भी शुद्ध करता है, खून को भी बढ़ाता है दोस्तों, आपकी बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। अगर बाल झड़ रहा हो, पक रहा हो, या रूसी हो गया, डेंड्रफ हो गया, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें 100% काम करता है, बहुत बेहतरीन औषधि है दोस्तों। साथ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्दी खांसी की समस्या है, तो आप उसमें ना प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों हर एक जड़ी बूटी की कुछ सावधानियाँ भी होती है। अगर सर्दी खांसी की समस्या है ना, तो दोस्तों इसका कुछ दिन सेवन ना करें, क्योंकि इसकी तहसीर जो है ना बहुत ठंडी होती है, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए दोस्तों मेरा यह मानना है कि आप अगर जो ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप इसका अवॉइड करें उस टाइम, और फिर इसके बाद आप प्रयोग करें। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी को खून की कमी है ना, तो दोस्तों इसके पत्ते का आप रस निकाल करके पिएं दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जो कि आपकी खून को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, दिन में 2 बार इसका प्रयोग करें, इसके रस का, तो आपके शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी है ना, उसको भी पूरा करता है, खून को बढ़ाता है, खून की जो गंदगी है ना, उसको भी फिल्टर करता है। तो यह पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसके पेट में एसिडिटी बनता है, गैस बनने की, कब्ज बनने की समस्या हो, पेट में गर्मी होता है, तो जैसे मैंने बताया इसका तहसीर ठंडी होती है, इसलिए पेट के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है दोस्तों। यह पेट को ठंडा रखता है, और आपके जो कब्ज की समस्या है या फिर एसिडिटी की समस्या है, उसको यह दूर रखता है, बहुत अच्छा, पेट को ठंडक देता है दोस्तों। आपको क्या करना है, इसके पत्ते का रस निकाल करके सेवन करें, दिन में 2 बार करें, तो आप उससे कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या, पेट में जलन या किसी भी प्रकार की दर्द हो, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर सूल की समस्या है, पेट झड़ने की समस्या है, तो दोस्तों उसमें आप इसका कली का खा करके सुबह सुबह 4-5 कली खाएं, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा, पेट को ठंडक रखेगा और आपकी दिमाग को भी ठंडक रखेगा, बहुत बेहतरीन काम करता है दोस्तों अरहुल का फूल। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आज से नहीं, हजारों साल से इसका प्रयोग किया जाता है, पहले के ऋषि महात्मा आज भी उसके आयुर्वेद में इसको बताया गया है, और आज से नहीं हजारों साल से, गांव घर में रहते होंगे तो आप इसका प्रयोग ज़रूर जानते होंगे, या पुराने लोग होंगे वो भी बताते होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज हमने बताया अरहुल के कुछ फ़ायदे के बारे में, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई औषधि के साथ, एक नई जड़ी बूटी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।